मेरा नाम गुरजाल सिंह सिकरवार है, मैं इंदौर उपासना केंद्र से हूँ। बापूजी से विगत 14 वर्षों से सानिध्य में हूँ और 2005 से लगातार बापूजी के छत्रछाया में और बापूजी के बताए रास्ते पर हम कंटिन्यू चल रहे हैं। बापूजी ने अभी जस्ट जनवरी एंड में अपने पितृवचन में बोला था, वही अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे छोटा वाला जो बेटा है उसके साथ जो अनुभव आया है। बापूजी ने अपने पितृवचन बताया था कि बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, और दूसरा रात में कभी भी हमको ड्राइव नहीं करना चाहिए, और फोर व्हीलर का बोला था कि कभी भी हम कंटिन्यू अगर चल रहे हैं तो उसमें लगातार हम जब एसी में बैठे रहते हैं तो उसको एक एक घंटे के अंतर से कम विंडो खोलना चाहिए। तो ये अनुभव पितृवचन जब मैंने घर वालों को बताया तो उसके जस्ट दो तीन बाद मिसेज ने बोला बालक को कि जा मालमिल से कुछ सामान लेने भेज रहा। तो उसने क्या करा, गाड़ी निकाली। बढ़िया, मैं ऑफिस में था, गाड़ी निकालता है और गाड़ी काफ़ी दिनों से रखी थी तो अच्छी साफ़ सुफ करके मेहनत करके उसने साफ़ करी चमकाई, और गाड़ी में खूब कीक लगा रहा, देख कीक लगा। कम से कम 15 मिनट तक वो गाड़ी को कीक मारता रहा, सेल्फ मारता रहा, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अब उसकी मम्मी अंदर राम नाम बही लिख रही थी, वो फिर आगे उठ के आई, बोला आखिर कर क्या रहे। तो देखती है कि ये सेल्फ मार रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये कीक भी मार रहा है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उसने बोला बेटा तू हेलमेट नहीं लगा के जा रहा ना, इसलिए तेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तू हेलमेट लगा ले भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो बालक ने फिर भी हेलमेट नहीं लगाया, गाड़ी खड़ी कर दी और फिर साइकिल जाकर अपना सामान ले आया। शाम को जब वापिस आया मुझे बात बताई, और दूसरे दिन जब सुबह मैंने उठ के गाड़ी में चाबी लगाई और जैसे सेल मारा गाड़ी स्टार्ट हो गई। यानी कि बापूजी हमें मैसेज बोलते ही नहीं, वो हमें बताते भी और ये सिद्ध भी कर दिया कि हो सकता है वो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं, क्योंकि बिना हेलमेट के जा रहा था। अगर वो बिना हेलमेट जाता हो सकता है कुछ घटना घटित होने वाली होती हो, इसलिए गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो बापूजी किसी न किसी प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं और बापूजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हरिओम श्री राम अम्बक नासम।